अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फाइव। देखिए बेटा, जिस तरीके से हमने पिछले वाली क्लासेस के अंदर परसेंटेज निकालना सीखी थी, यानी हमने कन्वर्ट किया था फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज के अंदर, और फिर बाद में परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल के अंदर भी कन्वर्ट करके देख लिया था। मतलब एक काम नॉर्मल नंबर से परसेंटेज बनाए थे और दूसरा हमने परसेंटेज से नॉर्मल फ्रैक्शन या डेसिमल की तरफ गए थे। अब इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कह रहे हैं कि आपने प्रॉफिट और लॉस निकालना है अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये हो। देखिए, सबसे पहले समझ लें कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। हम कॉस्ट प्राइस को सीपी से शो करते हैं, ठीक है। ये वो प्राइस होती है कि जिस प्राइस पर चीज़ आप खरीदते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं मेरा बेटा, कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पर आप चीज़ बेचते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस वो होती है जिस पर आप चीज़ बेचते हैं, और कॉस्ट प्राइस वो होती है कि जिस पर आप चीज़ खरीदते हैं। तो इतना भी जहन में रखिएगा, आपको अच्छे से पता है कि अगर आप चीज़ महंगी लें और सस्ती बेच दें तो आपको लॉस होता है, नुकसान होता है, ठीक है। और अगर आप चीज़ सस्ती लेकर महंगी बेच दें तो आपको प्रॉफिट होता है। इसके मुताबिक हमारे पास प्रॉफिट का जो फॉर्मूला बनता है वो मैं आपके पास ऊपर लिख रहा हूँ, आप इसको अपने टाइटल पेज पर लिख लीजिएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ी हो, कॉस्ट प्राइस छोटी हो तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जब सेलिंग प्राइस बड़ी हो, कॉस्ट प्राइस छोटी हो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से जब हम लॉस की बात करते हैं, लॉस में होता क्या है, लॉस में कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाती है और सेलिंग प्राइस छोटी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है लॉस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि जो जितने पैसों में आपने वैल्यू ली थी, जो चीज़ ली थी, उसको जितने पैसों में आपने बेची है उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा। और अगर जितने में आपने ली थी उसमें से अगर आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो फिर आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, देखिए वो कह रहे हैं फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। इफ आपने प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है अगर कॉस्ट प्राइस 6000 हो और सेलिंग प्राइस 7200 हो, मतलब कॉस्ट प्राइस 6000 है और सेलिंग प्राइस 7200 है। तो हमें पता है क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ी है तो सॉल्यूशन में आएंगे। हमें पता है जब सेलिंग प्राइस बड़ी हो जाए तो हमें प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, प्रॉफिट का फॉर्मूला ऐसे मैंने ऊपर लिखा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कितनी है मेरा बच्चा, ये सेलिंग प्राइस है RS 7200, ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है RS 6000, यानी कि 6000। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, RS 1200। अगर आपको माइनस करना ना आए, जैसे मैंने माइनस किया डायरेक्टली, तो आप इधर रफ कॉलम में माइनस कर लीजिएगा, 7200 लिखकर 6000 को माइनस करेंगे तो आप देखिएगा जीरो में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो बचता है, यहाँ भी जीरो, टू में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे टू बचता है, और सेवन में सिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे वन बचता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल इसका प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरीके से जब आपके पास सवाल एक और देख लेते हैं, सवाल में आपको कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस आपके पास 5000 है और सेलिंग प्राइस आपके पास 4500 है, मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये कॉस्ट प्राइस आपके पास बड़ी हो गई, सेलिंग प्राइस आपके पास छोटी हो गई। तो अब आप सॉल्यूशन में आएंगे, और सॉल्यूशन में आते ही आपको पता है कि जब कॉस्ट प्राइस बड़ी हो जाए तो हमें लॉस हो रहा होता है, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है आपको, कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹5000, उसके बाद माइनस सेलिंग प्राइस गिवन है ₹4500, यानी 4500। और जब आप माइनस करेंगे तो आपको पता है वैल्यू बचती है ₹500। और अगर आपको माइनस करना ना आए तो आप रफ कॉलम में इसको माइनस करके देख लेंगे, ये क्या होगा, आपके पास ऐसी कोई वैल्यू बनेगी। जब माइनस करेंगे जीरो में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, और यहाँ पर भी जीरो, फाइव में से जीरो में से फाइव जा नहीं सकता, आप कैरी लेंगे, ये हो जाएगा। टेन में से फाइव सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरा बच्चा तो क्या हो जाता है आपके पास, फाइव बचता है। और फोर में से फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, मतलब आपके पास 500 बचेगा। ये आपके पास क्या आ गया मेरा बेटा, लॉस आ गया। इसी तरीके से आपने इसके दो और पार्ट हैं वो करने हैं, और जो पिछले वाले क्वेश्चन हैं उनको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा कि आपने डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया था, परसेंटेज से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया था। और हमने एक और चीज़ सीख ली आज, प्रॉफिट और लॉस निकालना। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें, लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दें।
यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा। लॉस तब होता है मेरा बेटा जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस बड़ी हो, सेलिंग प्राइस छोटी हो, और प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ी हो और कॉस्ट प्राइस छोटी हो। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे कि हमें प्रॉफिट और लॉस समझना था। इसके अलावा भी मैं 4-5 क्वेश्चंस आपको अपनी तरफ से लिखवाऊंगा, आप उनको भी देखिएगा और उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है बेटा।